देखो ट्रांसफार्मर का आपको वर्किंग प्रिंसिपल होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर वर्क करता है। और आपने ये भी देखा होगा कि ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब बनता है, जब आपको पता है कि सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी के मुकाबले नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में अगर कम होंगे प्राइमरी के मुकाबले, या फिर प्राइमरी में ज़्यादा होंगे, तो वो स्टेप डाउन बनेगा। स्टेप अप बनाने के लिए सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने चाहिए प्राइमरी के। इससे ये भी आप कह सकते हो कि जो सेकेंडरी का EMF है वो ज़्यादा होना चाहिए प्राइमरी के EMF के। और आप ये भी कह सकते हो स्टेप डाउन के लिए उल्टा हो जाएगा कि स्टेप डाउन का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी का EMF है वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी का। तो नंबर ऑफ टर्न से भी आप पता लगा सकते हो स्टेप अप स्टेप डाउन का, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से ही पता लगा सकते हो। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो एक से ज़्यादा है तो स्टेप अप है, और एक से कम है तो स्टेप डाउन है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूँ कि पावर का, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो इनपुट पावर होती है वो आउटपुट पावर के बराबर होती है। लेकिन अगर रियल ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो उसके अंदर एफिशिएंसी दे रखी होती है 80%, 70%, 95% ऐसा एफिशिएंसी दे रखी होती है। तब उस केस में एफिशिएंसी निकाली जाती है आउटपुट पावर से, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर से। ध्यान रखना इस वाली बात का। अब सवाल ये है कि इन सभी केसेस के अंदर क्या ये बताओ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? अगर आपने इनपुट पर अल्टरनेटिंग करंट लगा रखा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, तो आउटपुट पर जो मिलने वाला अल्टरनेटिंग करंट है क्या वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखता होगा? तो सवाल का जवाब है यस। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, बाकी आप वोल्टेज को करंट को घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है 43 में कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। लेकिन इसके एवज मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा दिए जो आपके काम के हैं। थैंक यू सो मच।